हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का 4 चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और गाइस, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसी का हम लोग आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। और गाइस, इससे पहले मैं दो वीडियो करा चुका हूँ, तो इसके बाद आप उस दोनों वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन, यानी यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट किस पर डिपेंड करता है। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड्स करता है। ठीक है, जब आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रिएक्शन रेट इज शोन बाय। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का प्रभाव जो है शो होता है। ठीक है, किसके किसके द्वारा शो होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी आरहेनियस इक्वेशन, यानी आरहेनियस इक्वेशन के द्वारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन पे शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39, इन द रेस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन के इज इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो के इज इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी इन केमिकल काइनेटिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो नीचे में ये इक्वेशन का जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कौन सा यहाँ पर जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई ए इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी ये जो ऑप्शन सही है, क्या है, ई ए जो है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, द रेट एट विच अ सब्सटांस रिएक्ट, यानी सब्सटांस जिस पर रिएक्ट करता है डिपेंड्स अपॉन इट्स। तो किस पर डिपेंड करता है। तो आपका 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्टिव मास। ठीक है, आपका डी जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्टिव मास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आपका, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा यहाँ पर कंडीशन सही है। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, आपका ये जो है राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच। तो यहाँ पर आपका 42 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शॉर्ट टेंस द टाइम टू रीच इक्विबिलिरियम, यानी अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच शॉर्ट टेंस द टाइम टू रीच इक्विबिलिरियम। ठीक है, आपका ऑप्शन भी सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, फॉर द फॉलोइंग होमोजेनियस रिएक्शन, यानी ये जो होमोजेनियस रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, तो फिर आगे क्या पूछता है, द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज। तो इसी का जो है रेट कॉन्स्टेंट पूछ रहा है। तो ए प्लस बी गिव सी। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर सेकेंड पर मोल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पर सेकेंड पर मोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ रिएक्शन इज हाफ्ड एज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, यानी हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ रिएक्शन इज हाफ, उसको हाफ कर दिया, एज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तब पूछ रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू। क्या हो जाएगा, टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज। तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज, आगे क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 50 kg per mole द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशियन फॉर सच रिएक्शन इज। तो यहाँ पर टेम्परेचर कॉफिशियन पूछ रहा है इस तरह का रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रॉक्स टू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अप्रॉक्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, आरहेनियस इक्वेशन इंटरसेक्ट इज इक्वल टू। तो आरहेनियस इक्वेशन इसमें से कौन सा है। तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई एन ए एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आई एन ए एंगस्ट्रॉम, आपका जो ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, द रिएक्शन एच प्लस ओ एच माइनस गिव्स एच टू ओ इज। तो ये कौन सा रिएक्शन है, या फिर इस रिएक्शन का क्या प्रॉपर्टी है। तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्ट। क्या है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, एच प्लस ओ एच माइनस जो एच टू ओ बनाएगा, तो वो बहुत जल्दी बनाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, तो NH3 का डिकम्पोजिशन यानी कि टूटना ऑन द सर्फेस ऑफ टंगस्टन इज अ रिएक्शन ऑफ, तो ये कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीरो ऑर्डर। यानी जब भी NH3 का डिकम्पोजिशन होगा, तो अगर आपको पूछेगा कौन सा ऑर्डर है, तो आप बोलिएगा क्या, जीरो ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, फॉर अ रिएक्शन ऑफ द टाइप ए ए प्लस बी बी गिव प्रोडक्ट। ठीक है, ए ए प्लस बी बी जो रिएक्ट किया, तो क्या दिया, प्रोडक्ट दिया, एक रिएक्शन है। अब पूछ रहा है माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर पूछ रहा है माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइनस ए बाई बी इंटू डी बी बाई डी टी। क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी इंटू डी बी बाई डी टी, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका,
द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, यानी रोल ऑफ कैटलिस्ट किसके कारण चेंज होता है। तो आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो नीचे में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका राइट है। तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। द रेट रिएक्शन डिक्रीजेज विथ पासेज ऑफ टाइम एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज यानी घटता है विथ पासेज ऑफ टाइम, टाइम के पास होने से, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट डिक्रीजेज, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी डिक्रीज करता है। 51 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपका वैल्यू पूछ रहा है, तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस। जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है उस पर, तो उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस। तो गाइज आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज ये लास्ट वीडियो था इस सरफेस केमिस्ट्री का, इससे पहले मैंने दो वीडियो कर चुका हूँ, तो आप जो दोनों को जरूर देख लें। और गाइज मैं क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।